आत्मदेव की कथा में हम ऐसे आता है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही विद्वान ज्ञानी सुजान चतुर, और उसके धुंधली नाम की एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन उसकी प्रकृति थोड़ी प्रतिकूल थी। दोनों ग्रस्त जीवन में सुखद रहते थे, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने के कारण नाना प्रकार के वचन सुनने को मिलते थे। आत्मदेव एक दिन बहुत बड़ा दुखी हुआ और मन में यह सोचा कि यदि पुत्र नहीं है तो इस संसार में कुछ नहीं है, यदि बिना बेटे के कोई इस संसार में रहता है तो उसका जीना जीना नहीं है। इसलिए वो दुखी होकर के धुंधली को छोड़ करके जंगल में चला गया और किसी वन में जाकर के नदी के किनारे पर तुंगभद्रा नाम की नदी पर बैठ गया और आत्महत्या करने की सोचने लगा। वो आत्महत्या ये सोच रहा था कि इस नदी में मैं प्राण दे दूं, पानी में इस कूद के ऐसी चिंतन कर ही रहा था। इतनी देर में एक साधु आया, एक संत का प्राकट्य हुआ। एक संत आए और पूछे कि आप कौन है? बोले मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूँ। यहाँ क्यों आए हैं? बोले मरने के लिए आया हूँ, आत्मदाह करूंगा, आत्महत्या करके मरूंगा। संत ने कहा, बोले मरोगे क्यों? बोले मेरा कोई बेटा नहीं है, उस दुख से बिना पुत्र के महाराज समाज में रहना मुश्किल है, इसलिए मेरे कोई बेटा नहीं है, मरने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। संत ने कहा, बोले बेटा से क्या होने वाला है भाई? बेटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? राजा अंग के बेटा था, क्या वो सुख पाया? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या वो सुख पाए? वासुदेव जी के पुत्र हुआ जेल में, क्या वो सुख पाए? कंस क्या सुख पाया? कंस के माता पिता क्या सुख पाए? और भगवान राम खुद 4 भाई थे, उनके पिता दशरथ क्या सुख पाए? अरे बेटों से क्या होने वाला है? बेटों से कुछ नहीं होने वाला है। मीराबाई के एक बेटों को लो, जब तक सूरज चांद रहेगा मीराबाई का नाम रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनके एक भी पुत्र नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो अमर है और बहुत बड़ा बड़ा परिवार रिया। रावण जी का नाम निशानी मिट गया, नाम ही कौन रखे कोई संतान को रावण? लाख पूत सवा लाख नाती रावण का घर में दिया न बाती। तो केवल बेटा होने से, बोले आत्मदेव को समझाया, केवल बेटा होने से, पुत्र होने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आत्मदेव बोले, महाराज मैं तो खुद ही पंडित हूं, मैं खुद ही ज्ञानी हूं, ये सब बातें तो मैं जानता हूं, लेकिन तुम सन्यासी हो, मैं गृहस्थी हूं, और ग्रस्त बन करके देखो, समाज में परिवार में रह करके देखो, जनता जीने नहीं देती है, परिवार लोग रहने नहीं देते। मेरे यदि कोई संतान नहीं होती है तो मैं दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा और आत्महत्या करके मर जाऊंगा। संत ने कहा, बोले टेरो टेरो। संत ने अपना अंतर ध्यान किया तो पता लगा उसकी भाग्य में संतान है ही नहीं। संत ने कहा, मैं कहूं वैसे कर ले, तेरी सुखद जिंदगी बीतेगी, आगे जाकर के तू दुखी नहीं होगा। बोला महाराज जी, मैंने आपको कह दिया, यदि मेरे संतान कोई नहीं होगी तो मैं दोबारा जाऊंगा नहीं गांव, घर नगर। संत ने अपने बैग में से, अपने झोले में से एक फल निकालियो। बोला सुनो, तुम्हारी पत्नी को यह फल दे देना, 9 महीने बाद में उसके बच्चा हो जाएगा। संत का महात्माओं ने लिखा है कि ओगण ऊपर गुण करे,
ऐसो संत स्वभाव, मन है जहां का निर्मला और दिल है जहां का दरिया। धूल जा धूल जैसो धन जाके सूली सो संसार सुखी, भाल जाके भाल जाके भाल बोला इस संसार को जो सुख है जो सूली की दिया है। भाल जैसो भाग जाके अंतक सी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सन्मान, बड़ाइन बिच्छु जैसी नागिनी सी नारी है। इस संसार के अंदर सुंदर कहता इस संत को वंदना हमारी है, कोई न वासना जाके ऐसो ऐसी मति सदारा के सुंदर कहता ही संत को वंदना हमारी है। सुंदरदास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, तो महात्माओं ने लिखा कि नगर में संत का आ जाना भाग्य है, संत का नगर में आना भाग्य है और अपने घर में संत का आ जाना वो भाग्य है। और संत को हम याद करें, संत को हम याद करें यह सौभाग्य है, लेकिन संत हमें याद करे तो यह महाभाग्य है। और हम खुद ही संतों की संगत करके संत स्वभाव में संत बन जाए तो यह परम भाग्य है। और मेरे सजनों इतना करने के बाद भी नहीं सुधरे तो वो दुर्भाग्य है, इतना समझाने के बाद भी इतना विचार करने के बाद भी नहीं कोई सुधरे तो वो दुर्भाग्य है। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि संत ने समझाया, एक फल दिया और फल दे करके जो है बोले इस फल को आप ले जाओ, और वो फल को ले जा करके अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने वो फल लेकर के अपनी छोटी बहन से बात करी। छोटी बहन ने कहा तेरा सुंदर शरीर है, तू फल खाएगी, तेरे संतान होगी, संतान से तेरा रूप बदल जाएगा, फिर पेट में रखेगी, फिर प्रसव पीड़ा होगी, फिर उसको लालन पालन में सब काम करना पड़ेगा। अरे दुखी दुख, दुखी दुख है रे, दुखी दुख है, छोड़ इसको लपड़े को। बोले क्या करूं कि मेरे गर्भ में बच्चा है, तेरे बाद बहुत पैसा है, मेरे पति को पैसा दे देना और तेरे पति को कह देना कि ये मेरे बच्चा हो गया। और जो अपने पति से धोखा करती है तो कहते हैं मापे पूत पिता पर घोड़ा, और घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पिताजी बोला मापे पूत पिता पर घोड़ा और घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आत्मदेव विश्वास में धुंधली के आ गए और बोले ठीक है ठीक है ठीक है। वो भजन कर रहे थे, 9 महीने बाद में बच्चा जन्मा, वो बच्चा लेकर के छोटी बहन का उसने अपने घर में रख लिया और आत्मदेव को धोखा दिया, बदले में धन दे दिया। आत्मदेव से कहा बोले मेरे हस्तों में दूध नहीं आ रहा है तो मैं मेरी छोटी बहन का एक बच्चा हुआ है, वो बच्चा अभी जो है गुजर गया, शांत हो गया, मैं उसको दे दूं तो ये दूध से पल जाएगा। तो ये सारा नाटक करके आगे जा करके वो सारा योजना बनी रही, पोल खुली नहीं। और वो फल लाए थी, वो फल एक गाय को खिला दिया, और जो गाय को फल दिया था उससे एक बच्चा जन्मा गाय के कानों का, उसका नाम रखा गोकरण। और दोनों धीरे धीरे बड़े हुए, एक संत का प्रसाद था, एक चोरी का माल आया था। और मेरे भाई बहनों एक बात बता दूं, जिसकी माँ की प्रकृति सही नहीं है, एक महात्मा ने बताया है कि जिसकी माँ का यदि चरित्र सही नहीं है तो उसे दुष्चरित्र संतान पैदा होती है, और पिता का चरित्र सही नहीं है तो मूर्ख संतान पैदा होती है, और यदि वंश का वंश सही नहीं है,
वंश का मतलब दादा दादी नाना नानी, यदि वंश सही नहीं है तो डरपोक संतान पैदा होती है, और यदि स्वयं पिछले जन्म में पुण्य कर्म नहीं किया है और स्वयं पिछले वाले जन्म में सही नहीं रहा तो गरीब दरिद्र पैदा होता है। और मेरे भाई बहनों एक बात याद रखना, आप फल को देखो, फल ही सड़ा हुआ है तो वृक्ष का पता लग जाएगा, संतान को देखने से उसके माता पिता का मालूम लग जाता है। और आप अपने गृहस्थी जीवन को सफल हुए कि नहीं हुए, आप अपने गृहस्थी जीवन में सफल हुए कि नहीं हुए, यदि यह पहचान ना हो तो आप एकांत में बैठ करके अपने बेटा और बेटियों को देख लो, यदि आप अपनी संतान से संतुष्ट हो तो आपका गृहस्थ जीवन सफल हो गया, और आप खुद ही आपकी औलाद से संतुष्ट नहीं हो तो जानो कि अभी आपका गृहस्थ जीवन सफल बना ही नहीं। और उसने कई कृत्य किए, जैसे जैसे बड़ा होने लगा चोरी करने लगा, जबरदस्ती करने लगा, माता पिता के साथ अन्याय करने लगा, पिताजी बड़े दुखी हुए उसके सारे कारनामे देख के। आत्मदेव ने समझाया, बोले संत की बताई हुई बात समय पर याद आती है, आत्मदेव को तुंग भद्रा के तट पर बताई संत की बात आज याद आई है कि इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होता, अपन बांझ ही रह जाते तो ये अच्छा था। ऐसे ही संत की बात याद जरूर आती है लेकिन कब, समय आने पर। जैसे आपके पास अलार्म घड़ी है, आपने उसको भर दी, सुबह 5 बजे सो गए तो बजेगी जरूर, कब, समय आने पर आपको 5 बजे जगा देगी। ऐसे ही आज जो मैं कथा सुना रहा हूं वो आज काम में नहीं आएगी आपके, अभी आज काम में नहीं आई तो एक दिन काम में जरूर आएगी। आपको ये कथा याद आएगी कब, जब आपका बेटा शादी विवाह होने के बाद, काम धंधा रोजगार नौकरी लग जाने के बाद पत्नी के बहकाने पर आपको आंख दिखाएगा और अपनी पत्नी बच्चों को गाड़ी में बैठा करके जयपुर ले जा करके रहना शुरू कर देगा और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं लेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आएगा कि कथा में वो संत भी सही कह रहे थे कि कोई किसी का है ही। इसलिए याद जरूर आती है लेकिन समय पर। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि गोकरण ने उनको जो है आत्मदेव को शिक्षा दी है, वो जंगल में गए उन्होंने तो वहां जाकर के मुक्ति प्राप्त करी है, पीछे गोकर्ण महाराज भी उसके कारनामे देख करके घर छोड़ दिए, और जब गोकर्ण भी चला गया आत्मदेव पिता भी चले गए तो खुला मैदान मिल गया काम खराब करने के। उसने अपनी माता को पूरी तरह से पीटा और माँ कुएं में गिर करके प्राण दे दिया, पीछे 5 गणिकाओं को वेश्याओं को घर में रख लिया। ये 5 वेश्याएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और ये तुंग भद्रा ये शरीर है, और आत्मदेव कहते हैं आत्मा को जो देव बना दे वही आत्मदेव है, और धुंधली कहते हैं जिसकी बुद्धि ये बुद्धि मलिन है इसी का नाम धुंधली है, और इस ये जो जीव है यही धुंधकारी है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध नाम की 5 गणिकाओं से उसकी दोस्ती हुई। गणिकाओं ने सोचा कि ये बड़ी बड़ी चोरियां करता है, कभी न कभी खतरा अपन को भी हो जाएगा, दरबार में चोरी करी वहां से राजा के यहाँ चोरी हुई वो गणिकाओं को लाके दे दिया। गणिकाओं ने सोचा राजा खोज निकालेंगे इसको पकड़ेंगे ये पीटेगा नाम अपना भी आएगा, तो गणिकाओं ने उसको बांध करके मारा है और मुंह में धक धगात करते अंगारे भरे हैं वो मरा है, और मर करके भी प्रेत योनि में गया है, और पूरे गांव में पूरे नगर में जो है कई प्रकार के उपद्रव करता है, क्योंकि जो आदमी जीते जी भला काम नहीं करता वो मरने के बाद भी दुख ही देता है।
उसने कई प्रकार के अपराध करना शुरू कर दिए, नगर को खाली करा दिया, गांव को खाली करा दिया, और गोकर्ण महाराज को पता लगा है और वो गया जी जाकर के उनका श्राद्ध किए हैं, वापिस आकर के घर में बैठे हैं और बैठ करके जब घर में आए तो वो प्रेत रूप से प्रकट हुआ है और कई प्रकार के उपद्रव करना शुरू किया है। गोकर्ण महाराज कहते हैं तू कौन है? कि तेरा भाई धुंधकारी। अरे बोले मेरा भाई की तो मैंने वहां गया जी में पिंडदान करके मुक्ति करा दी। धुंधकारी कहता है कि पिंडदान और ये मुक्ति तो कोई साधारण पापी की होती है, मेरे जैसे दुष्ट की नीच की तो लाख लाख पिंडदान करे तो भी मुक्ति नहीं होती। तो बोले तेरी मुक्ति का कोई उपाय बता। क्या मेरे पास कोई उपाय नहीं है? गोकर्ण जी महाराज सूर्य देव के उपासक हैं, उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना करी है और सूर्य देव से बोला मेरा भाई अधोगति गया, ये अधोगति के अंदर प्रेत होकर के ब्रह्म राक्षस होकर के इस दुख दे रहा है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि इसकी मुक्ति हो जाए। तो सूर्य देव ने एक मंत्र बताया, श्री मद भागवता मुक्ति सप्ताह वाचन कुरु। सूर्यदेव ने कहा कि तुम श्री मद भागवत कथा का वाचन करो। बोले मुझे कैसे पता लगेगा कि उसकी मुक्ति हो गई? बोला एक बांस रखो, सात गांठ उसकी हो और आह्वान करो, वो उस पे आके बैठ जाएगा। प्रथम दिवस में एक गांठ फटेगी, द्वितीय दिवस में दूसरी फटेगी, तृतीय दिवस में तीसरी फटेगी, ऐसे सात दिन में सात फट जाएगी। और गोकर्ण महाराज ने ये कथा आरंभ की, पहले दिन एक गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी फटी, तीसरे दिन तीसरी फटी, ऐसे सात दिन में सात गांठ फटी है। दिव्य विमान पर बैठ करके धुंधकारी पीले वस्त्र पीतांबर में और मुकुट मोर मुकुट बाजू बंद के साथ जो है गोकर्ण महाराज को हरिओम कहता है, बात करता है कि भैया तेरी कृपा से मेरी मुक्ति हुई है। ऐसे सबसे पहले गोकर्ण की मुक्ति हुई है, उसके बाद दूसरा पंडाल लगा करके गांव के लोगों को उन्होंने कथा सुनाई है। ये सात गांठ जो लिखी है वो है काम क्रोध लोभ मोह राग और द्वेष, अर्थात ईर्षा मत्सर। ये सात प्रकार की गांठें हैं, इसको जीते जी तोड़ना पड़ता है। और आज से नहीं, अनादिकाल से अपने यहाँ भी कोई आदमी 100 वर्ष पहुंच जाता है, परम धाम हो जाता है, तो उसका कीर्तन रखते हैं। और भी कीर्तन की रात ने बोले डांगड़ी की रात, बा डांगड़ी रखी, बा लकड़ी वो डंडो रखियो जावे, ई वास्ते भी को नाम डांगड़ी की रात है। आज तो प्रथम दिवस है, इसकी जो कथा है मैं आपको विस्तार से कल बताऊंगा। आज तो आपने आपको मैंने बुरी बुरी बात बताई है। ये जो भागवत जी का महात्म्य है, इस महात्म्य में ये दो अध्याय इस आत्मदेव की मुक्ति के लिखे हैं और फिर दूसरे दो अध्याय धुंधकारी की मोक्ष के लिखे हैं। यानी भागवत जी के जो महात्म्य है उसमें 6 अध्याय है, जिसमें प्रथम 2 अध्याय भक्ति ज्ञान वैराग्य के हैं, दूसरे 2 अध्याय आत्मदेव के हैं उनके मुक्ति के हैं, और तीसरे जो 2 अध्याय हैं वो दोनों अध्याय आपके धुंधकारी की मुक्ति के हैं। ये कथा आज हम कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रसाद तैयार है, माँ प्रसादी तैयार है।